अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निगम मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। स्पोर्ट्स टाइम में आज हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे नेशनल टी20 कप पर, और फिर आईपीएल पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और फिर जिम्बाब्वे का टूर आ रहा है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान आएगी तो उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं माजिद शेख। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं माजिद, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यस्टरडे मैच देखा आपने, लास्ट मैच जो था सेकेंड राउंड का? सेकेंड इनिंग्स नहीं देख पाया, फर्स्ट इनिंग्स तक देखा था, लेकिन वॉच द हाइलाइट्स एंड रिमार्केबल एफर्ट बाय द सदर्न पंजाब, स्पेशली सोएब मकसूद जिस तरह वो खेला है, मिड विकेट के ऊपर छक्के, कवर ड्राइव, तो एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि जो मुखालिफ पे बलूचिस्तान जो बॉलिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब कि उनके पास ऑप्शन ही खत्म हो गए हैं बॉलिंग्स में, हालांकि उनके पास ऑप्शन थे, आप नहीं समझते कि यूटिलाइज सही नहीं किया, या जो बॉलर्स हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो नहीं किया? आई थिंक बलूचिस्तान लॉस द मैच व्हेन दे चोज टू बैट फर्स्ट। अच्छा, इस तरह का जब क्रंच मैच होता है ना, तो आप कोशिश करते हैं कि आप कंट्रोल अपना अपने पास रखें। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बैटिंग ले ली, दे गेव सदर्न पंजाब द चांस कि आप 12 ओवर में चेस करने का उनको ऑप्शन दे दिया। अगर वो बॉलिंग करते तो क्या सदर्न पंजाब इस तरह खेलती? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल सही है। और अगर वो डिफेंड उनको करना होता तो उनको शायद 10 ओवर में डिफेंड करना होता और ऑल आउट करना होता। तो अगर बलूचिस्तान सेकेंड बैटिंग करती तो उनके पास कंट्रोल होता मैच का, तो उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करके ना कंट्रोल सदर्न पंजाब को दे दिया, एंड दैट वॉज द मोमेंट वेयर दे लॉस्ट इट। अच्छा, क्या कहते हैं, हमने देखा है सेकंड इनिंग जो सेकंड मैचेस जो भी होते हैं वहाँ पे ड्यू फैक्टर थोड़ा बहुत होता है, तो वो कैप्टन के जहन में वो भी नहीं था कि हम ड्यू फैक्टर की थ्रू ही मतलब कि सेकंड बैटिंग कर लें? अच्छा, दो तरह के इसमें थॉट प्रोसेस है। पहला तो मैंने आपको बताया कि आप सेकंड बैटिंग कर लें और कंट्रोल रखें। दूसरा ये होता है कि फाइनल मैच में ना आप कोशिश करते हैं कि बड़ा टोटल इस तरह का बोर्ड पर लगाएं और ओपोनेंट टीम को प्रेशर में ले आएं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा टोटल लगाया नहीं। 160 जो है पार स्कोर है, उससे भी कम है, 200-220 बनना था टूर्नामेंट में ऑन एवरेज। तो सदर्न पंजाब ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, उनका जो मसला है वो डेथ ओवर्स का है। डेथ ओवर्स में उन्होंने कल भी जो है ना अराउंड 50 रन्स कंसीड किए हैं, तो ये मसला उनके साथ है जो कि आज नॉर्दर्न जो है एक्सप्लॉइट करेगा। तो आज मोस्ट प्रोबेबली जो है नॉर्दर्न और साउदर्न पंजाब का मैच चल रहा है, इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर हम बलूचिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो इस टूर्नामेंट में आपको कैसी लगी ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस टीम की? आई थिंक स्टार्ट अच्छा था, लेकिन मसला ये है कि उनके पास दो तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जो एंकर रोल है, इमाम हो गया, हारिस हो गया, तो एक जैसे दो तीन प्लेयर्स टी20 स्क्वाड में या टीम में होना वो आपके लिए फिर सही नहीं रहता। यू कैन नॉट प्ले फ्रीली, आप 180-200 रेगुलरली नहीं बना सकते। अब आपने इमाम को रोल दिया हुआ है कि वो बैट आउट करेगा 20 ओवर्स एंड अदर्स टू प्ले अराउंड हिम। अब हारिस सोहेल टेक्स टाइम और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी टाइम लेते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर दे लॉस्ट इट आई गेस। अच्छा, क्या कहते हैं, अगर हम ओवरऑल क्या कहते हैं नेशनल टी20 कप की बात करें सो फार अभी तक, आपको लगता है कि वो ऑलराउंडर अभी तक हम क्या कहते हैं प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं जिसकी टी20 को नीड होती है? ऑलराउंडर हमारे पास आई गेस, हम अगर रिकॉर्ड देखें ना, तो अनवर अली से हमने मैचेस खिलवाए पाकिस्तान से 38, फहीम अशरफ ने 54 और आमिर यामीन जस्ट 6, अबाद बट जस्ट 2। तो यहाँ जो 6 और 2 वाले हैं ना, ये बेहतर है, उनसे काफ़ी बेहतर है। अनवर अली आई गेस द टाइम इज़ ओवर फॉर हिम नाउ, एंड फहीम अशरफ को तो इतने चांसेस दे दिए हैं कि बस। तो आई गेस जो जिम्बाब्वे का टूर आ रहा है इस पर आमिर यामीन का चांस बनता है, डेफिनेटली बनता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अमाद बट टू डू वेल, बट ये परफॉर्मेंस उनकी इस टूर्नामेंट में इतनी खास नहीं थी, तो आई गेस उनको चांस नहीं मिलेगा। लेकिन आमिर यामीन तो आई गेस शुड बी इन द टीम बिकॉज ही बॉल्स वेल इन अप फ्रंट विद द न्यू बॉल, और उसके बाद एंड में आपने कल देखा होगा 33 बॉल्स। कल तो आमिर यामीन ने मतलब किस तरीके से लग रहे थे, कोई हार्ड हिटर बैट्समैन खेल रहा है, और वो जिस तरीके से हर जगह छक्के मार रहे थे, मतलब के देखने वाला मैच था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कल की हाईलाइट्स लाजमी देखिएगा। उसके साथ साथ अच्छा क्या कहते हैं, यही टीम मतलब के मैच चल रहा है इनका अभी, एक टीम का मोराल किस तरह से बूस्टअप होता है? लास्ट नाइट वो इस तरीके का मैच जीत के आई हो, फिर अब जो है वो क्या कहते हैं लीग की टॉप टीम से मतलब के जो सब टॉप नंबर वन है नॉर्दर्न, उससे मैच खेल रही है, तो कुछ चांसेस हैं जीतने के, या आप क्या समझते हैं किसको फेवर देंगे थोड़ा सा? आई गेस ये तो सीधा सीधा मुकाबला है नॉर्दर्न की तरफ, क्योंकि कल जो बॉलर्स थे वो यासिर शाह, उमर गुल, अमाद बट, उनका वो कैलिबर या वो क्लास नहीं है। अब आज जो बॉलर्स हैं वो हैं आमिर, तनवीर, मूसा, हारिस, शादाब, इमाद, नवाज, तो यहाँ पे टफ हो जाएगा उनके लिए बैटिंग करना। एंड स्पेशली जब वो बॉलिंग करने आएंगे तो सामने हैदर अली, ईशान मलिक और ये सब होंगे, तो काफ़ी टफ लग रहा है मुझे। अच्छा, आप नहीं समझते हैं इनके पास भी बैटिंग है अच्छी खासी,
बैटिंग है इनका जो मसला है सदर्न पंजाब का वो ये है कि इनकी जो ओवरऑल फर्स्ट सिक्स ओवर्स की एवरेज है वो जस्ट अबव 30 है, बिकॉज दो तीन विकेट्स वो लूज कर जाते हैं पावर प्ले में. और उसके बाद सेकंड बेस्ट सेकंड जो वर्स्ट सिनेरियो वो ये है कि डेथ ओवर्स में वो 50-60 रन कंसीड करते हैं. तो ये जो फ्रंट के दो और आखिर के चार ओवर्स है ना इसमें वो मैच हार जाते हैं. लेकिन कल उन्होंने बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कर दिया है. कल तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स खेले और जिस तरह खेले हैं तो बहुत ही अच्छा खेले. सोहेब मकसूद हो गए, हुसैन तलत, आमिर यामीन, तो बहुत अच्छा खेले क्योंकि बॉलिंग फिर उस मैार की नहीं हुई, फिर फील्डिंग में कैचेस छूट गए. तो ये तो जिस तरीके से अभी मैच चल रहा है नॉर्दर्न और साउदर्न का, आप नहीं समझते क्रिकेट क्रिकेट वो दिन होता है आपका, वो एक दिन मतलब कि पूरी लीग आप अच्छी खेलते हुए आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्दर्न है वो पूरी लीग अच्छी खेलती हुई आई है, आज का मैच है जो चल रहा है, एक मैच आपको पता है वो खराब हो जाए तो आप टूर्नामेंट पूरा खराब हो जाता है, या आप जो बैकअप से चलते हुए आ रहे हैं वो सपोर्ट करता है आपको? आई थिंक जिस तरह की उनकी टीम है ना तो आई थिंक वन और टू प्लेयर्स की उनके चाहिए होंगे गेम जितवाने के लिए. एक हर एक बंदा मैच विनर्स है, आसिफ अली हो गया, उमर अमीन, हैदर अली, इवन इफ वन ऑफ दोस फायर्स दे विल विन द मैच. अच्छा, और इसके साथ साथ अगर हम साउथर्न की बॉलिंग को थोड़ा सा डिस्कस करें तो आप समझते हैं नॉर्दर्न को रोक लेगा वो या नॉर्दर्न की लाइनअप बहुत लंबी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा? अगर सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न को 200 से पहले रोक लिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि 200 तो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है. और इसी तरीके से अगर कहते हैं साउथर्न पहले बैटिंग कर रही है तो आप क्या समझते हैं बोर्ड पे कितना टोटल लगाना चाहिए इनको? एटलीस्ट 220 विद द बॉल बैटिंग लाइनअप नॉर्दर्न हैज, सो 220 विल बी अ कंपेटिटिव टोटल, नॉट अ विनिंग टोटल बट अ कंपेटिटिव टोटल. अच्छा, इसके साथ साथ सेकंड मैच जो होगा आज का वो है केपी के और सिंध के दरमियान. ये मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ लग रहा है कि दोनों टीमें बैलेंस लग रही हैं या इसमें भी किसी को फेवर देंगे? आई थिंक सिंध हैज अ अपर हैंड देयर बिकॉज केपी के डिस्पाइट हैविंग शाहीन, वहाब, जुनेद, बट आई डोंट थिंक सो दे आर सो मच कंसिस्टेंट विद देयर परफॉर्मेंस. एंड द अनदर थिंग इज के शर्जील जो है ना वो मैच विनर है, वो बिग मैच प्लेयर है एंड ही हैजंट प्लेड that kind of innings yet. तो semi-final और final में मैं expect कर रहा हूँ कि वो इस तरह की innings खेलेगा. So I'm expecting Sharjeel Khan to score big, 100 or 120 और 70 ऑफ 25 और 30 बॉल्स. आप समझते हैं वहाब के सामने होने से वो मतलब कि ये कर लेंगे? हालांकि वहाब का लास्ट मैच आपने देखा होगा तो 5 आउट किए उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली मैच हार गए वो लोग, लेकिन वहाब जैसा एक्सपीरियंस बॉलर वो किसी सामने टिकने देगा कोई लंबी इनिंग खेलने? आई एम एक्सपेक्टिंग शर्जील टू स्कोर बिग टुडे बिकॉज अगर उसको टीम में आना है एंड फॉर दिस जिम्बाब्वे टूर, एक तो उसको फिटनेस बेटर करनी है एंड देन ही हैज टू परफॉर्म इन बिग मैचेस लाइक दिस. और सिंध का एक प्लेयर जिसको हम लाजमी डिस्कस करना चाहेंगे, आजम खान, बहुत ही मतलब कि बहुत जल्दी इम्प्रूव कर गए हैं, बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब कि क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं. कहीं लगता है कि क्या कहते हैं आजम अब जो है वो ऊपर ही जाएंगे या रुकेंगे? जब हमने उनको पीएसएल में देखा था तो फर्स्ट टू मैचेस उन्होंने कोयटा को जितवाए थे तो लॉट ऑफ पीपल रेज क्वेश्चंस के यार ये मोइन खान का क्लब से आया है या इसका वजन इतना है, तो तीन चार इशूज थे. लेकिन विद द परफॉर्मेंस दैट पीपल हैव सीन एंड वॉच्ड इन दिस टूर्नामेंट दे डेफिनेटली नो के यार इसमें टैलेंट है एंड बस जस्ट उसको अपनी फिटनेस पे काम करना है हाई परफॉर्मिंग सेंटर में, देन ही इज रेडी टू गो. आई थिंक जिम्बाब्वे के टूर में वो सेलेक्ट होना चाहिए. वी आर मिसिंग अ प्लेयर एट नंबर 5 नंबर 4, तो आजम खान इज अ गुड चॉइस फॉर दैट. नहीं बिल्कुल, आजम खान को जिम्बाब्वे के टूर में तो चांस मिलना चाहिए, मतलब कि इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. प्लस ही इज अ विकेट कीपर आल्सो, सो वो जगह जो हम खाली जगह पूर कर रहे हैं रिजवान या सरफराज या कोई और खेल रहा होता है, सो ही कैन प्ले एज अ विकेट कीपर एज वेल. T20 में तो आप चांस ले सकते हैं विकेट कीपर का, जस्ट लाइक बटलर होता है इंग्लैंड के पास या ब्रोस्टो होता है, वो इतनी अच्छी विकेट कीपिंग नहीं करते हैं लेकिन वो बैटिंग में आकर उसको कंट्रोल कर लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं. और इसी के साथ साथ अगर हम इसी टीम से दूसरे लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करें, दानिश अजीज, मतलब कि कुछ इनिंग पिछली उनकी देखे, उन्होंने अपनी टीम को वन साइडेड मैच जितवाए हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको? आई थिंक दानिश अजीज वो सिलेक्टेड इन पीएसएल एज वेल फॉर कराची एंड कोयटा, बट उसको इतने चांसेस नहीं मिले एंड चांसेस जो मिले थे उसमें परफॉर्म नहीं हुआ था. मैंने उसको अभी इस टूर्नामेंट में देखा है एंड ही इज बीन क्वाइट गुड. आई थिंक ही इज अंडर यूटिलाइज्ड एज अ बॉलर, लेकिन बैटिंग में ही इज इंप्रूव्ड. इवन हसन खान हैज इंप्रूव्ड एज वेल. आसान का नो डाउट, मतलब कि उसने भी लास्ट टाइम जो सरफराज के साथ इनिंग कर ली है. अच्छा सरफराज, आप क्या समझते हैं अब क्या रोल ले गया सरफराज का T20 में, जगह बनती हुई नजर आ रही है आपको? आई थिंक द हिस्ट्री ऑफ सरफराज टीम इज दैट कि जब भी उसकी टीम को मोमेंटम मिलता है ना तो वो टाइटल जीतता है. अब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर PSL हो, तो उसकी टीम के पास अभी मोमेंटम है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग सिंध टू विन द सेमीफाइनल वेरी इजली, पर नॉर्दर्न के अगेंस्ट जो फाइनल होगा दैट वुड बी अ टफ वन. So let's see.
अच्छा, आपने मतलब कि सिंध को बिल्कुल इजी वे दे दिया है कि वो फाइनल में तो जा रहे हैं। केपीके भी है, केपीके के पास भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। आप नहीं समझते केपीके की बॉलिंग अगर हम डिस्कस करें तो वो उस लेवल की है, क्योंकि सीनियर प्लेयर उनके पास इतने अच्छे हैं तो जितवा सकते हैं? केपीके की बॉलिंग का मसला ये है कि इफ शिनवारी इज ऑन एक्सट्रीम, या तो वो बहुत अच्छा है या तो वो बहुत बुरा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता शिनवारी का वो क्या दिन है, क्या करेगा वो, ठीक है। Either it's going to be 4 overs 5 for 18 or it's going to be 4 overs 9 for 60, ठीक है। तो उसके अलावा वहाब का भी कभी कभी होता है, नो बॉल्स के इश्यूज हैं, तो डिपेंड्स के हाउ दे बॉल। उसके बाद उनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है अपार्ट फ्रॉम शुएब मलिक, हफीज एंड इफ्तिखार, ये पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, तो उनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। इफ हफीज डजंट फायर, यू वी नो अबाउट फखर एंड रिजवान, दे आर प्लेइंग रियली स्लो, हफीज डजंट फायर देन दे आर इन प्रॉब्लम्स। शुएब मलिक भी हैं इनके पास और एक मैच में वो भी परफॉर्म कर चुके हैं, तो आप उनको एक्सपीरियंस भी हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने एक रिकॉर्ड भी अचीव किया है, साउथ एशियन, मतलब के फर्स्ट साउथ एशियन है जिन्होंने 10,000 रन किए हैं T20 में, तो आप उनको भूल गए? शुएब मलिक का पाकिस्तानी टीम में तो अभी मेरे हिसाब से जगह नहीं बनती। हाँ, केपी में वो अभी लास्ट परफॉर्मेंस देख लें, 150 है, फिर 6 रन है, 10 रन है, 15 रन है, बस ही इज देयर, बट ही कैन गाइड द यंगस्टर्स, बट आई थिंक इन द टीम No place for him. अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इसी तरीके से सिंध की अगर बॉलिंग की बात करें, सुहेल खान है टॉप 5 बॉलर्स में नेशनल T20 कप के अभी तक के, और फिर उसके बाद उनके पास हसनैन हैं, और फिर स्पिनर में आ जाते हैं इनके पास हसन आ जाते हैं और दूसरे बॉलर हैं, बॉलिंग लग रही है कि सामने वालों को पकड़ लेंगे या थोड़ा सा बॉलिंग हल्की है, क्योंकि हसनैन ने अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह वो पेस 145 140 135 इज बीन रियली पुअर विद द बॉल। उसके अलावा हसन खान एंड दानिश अजीज, उसको स्पिन में यूटिलाइज होता है, फिर उसके बाद अनवर अली है, तो बॉलिंग सही है, गुलाम मुदस्सर था वो आया, मीर हमजा है, तो बॉलिंग इज ओके। अगर हम कंटेन कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा को 180-170 तक, then easily achievable. आप नहीं समझते हैं, यहाँ पे स्पिनर अच्छे हैं सिंध के पास, उनके क्वालिटी स्पिनर हैं, लेकिन वहाँ पे स्पिनर को खेलने वाले अच्छे हैं, मलिक हुए, हफीज हुए, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो थोड़ी सी बीच के ओवर्स होंगे ना केपी के इनिंग से, that would be the critical moment for the match, के हसन खान, दानिश अजीज और बाकी जो स्पिनर्स हैं पार्ट टाइम, वो किस तरह बॉलिंग करते हैं और हफीज और मलिक उनको किस तरह खेलते हैं, either they anchor it or attack it. अच्छा, तो इस मैच में आप किसको फेवर दे रहे हैं? फाइनल इट्स बिटवीन सिंध वर्सेस नॉर्दर्न। ओह अच्छा, चलें सिंध वर्सेस नॉर्दर्न अगर फाइनल होता है कल, तो उसमें क्या होगा, मुकाबला होगा देखने वाला, या आप इसमें नॉर्दर्न को एज दे देंगे? आई थिंक मुकाबला होगा और सिंध जीत जाएगा। मुकाबला होगा और सिंध जीत जाएगा। यहाँ पे नॉर्दर्न, मतलब कि सिंध के आप बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मुझे। फैन नहीं लग रहा, द मोमेंटम इज विद देम, द वे दे आर प्लेइंग, आजम खान हो गया, दानिश अजीज, सरफराज, हसन, सो बैटिंग में डेप्थ भी है, स्टार्ट में खुर्रम मंजूर, सऊद शकील एंड शर्जील खान, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सिंध टू विन। अच्छा, नॉर्दर्न की साइड इसी तरीके से, मतलब कि वो पिछले कई मैचेस जीतते हुए आ रही है, आई गेस अगर उनके हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो 10 में से 8 मैच वो जीत चुके हैं, 2 हारे, तो और क्या कहते हैं सिंध की परफॉर्मेंस देखें, 10 में से 5 जीते हैं, 5 हारे, तो डू यू थिंक इजिली हो जाएगा? इस तरह के टूर्नामेंट्स में ना मोमेंटम बहुत मैटर करता है, तो मोमेंटम अभी सिंध के पास है। नॉर्दर्न ने पिछले मैचों में काफ़ी कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं, कभी उमर अमीन ओपन आ रहे हैं, कभी ईशान मलिक हैं, कभी अली इमरान हैं, तो आई गेस वो फाइनल में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग सिंध टू विन। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें टूर्नामेंट की सो फार, अगर हम बैट्समैन पे नजर डालें जिन्होंने सबसे ज्यादा रन किए हैं, शुएब मसूद जो हैं वो पहले नंबर पे हैं, फिर इमाम हैं, अब्दुल्ला शफी हैं, खुर्रम हैं, खुशदिल शाह हैं। अच्छा, इसमें हमने देखा कि कुछ यंगस्टर वो हैं जिनको अभी तक लोग जानते नहीं थे ये कौन है, अब इस टूर्नामेंट के थ्रू उनके नाम से जानते हैं, हाँ जी अब्दुल्ला शफी कौन है, खुशदिल शाह कौन है। जो क्रिकेट लवर हैं उनको तो पता है, वो तो देखते रहते हैं, इनसे मिलते रहते हैं, लेकिन जो मतलब कि इनको नहीं देखा था, आप समझते हैं अब इनकी टीम में जगह बनती है नेशनल, हमारी जो इंटरनेशनल टीम है उसमें? आई गेस अब्दुल्ला शफीक एंड आजम खान, यस, खुशदिल शाह तो ऑलरेडी विद द स्क्वाड हैं, तो इनकी तो जगह बनती है, नॉट खुर्रम मंजूर और सोहेब मकसूद, बिकॉज दे आर ऑलरेडी 35-36, तो दैट्स नॉट अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है वो, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट करें अब्दुल्ला शफीक पे, हु इज 20, आजम खान हु इज 23, तो वो लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट में थोड़े बहुत रिटर्न भी देंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उनकी फिटनेस पे काम होगा, थोड़ा बहुत फील्डिंग पे काम होगा, बाकी बैटिंग में तो हमने देख ही लिया किस तरह वो रन करते हैं, सो
और क्या कहते हैं कीपर को अगर हम डिस्कस कर रहे थे, जिस तरीके से आपने आजम खान का नाम लिया कि आजम खान भी मतलब कि T20 में क्या कहते हैं रिप्लेस कर सकते हैं कीपिंग को, आपने समझते रॉयल नजीर वो एक अच्छा विकेट कीपर है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है अंडर 19 का हमारा? आई थिंक फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट रॉयल नजीर इज अ गुड चॉइस, बट अभी उसको इतने चांसेस मिले नहीं है, इवन इन द नॉर्दर्न टीम जो मिले हैं वो 8th, 9th, or 7th नंबर पे और ऊपर भी आया है, तो यस ही हैज द क्लास एंड द एबिलिटी बट टू अर्ली फॉर हिम। अच्छा, आप समझते हैं विकेट कीपर अब चेंज होना चाहिए, सरफराज और रिजवान का काम नहीं है T20 में? वी कैन हैव आजम खान इफ यू वांट टू प्ले दिस काइंड ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड T20, देन वी शुड हैव आजम खान। अच्छा, इनके अलावा ये तो टॉप 5 थे, इनके अलावा कोई ऐसे प्लेयर्स आपको नजर आए जो कि जिनको होना चाहिए T20 कप में, एटलीस्ट अगर वो नेशनल T20 में ना हो, टीम में ना हो, लेकिन उनको टूर्स करवाने चाहिए? आई थिंक सैफ बदर है, वो एक अच्छा पावर हिटर है, उसको जितने मौके नहीं मिले लेकिन ही इज अ गुड चॉइस एज वेल एज अ पावर हिटर। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं सो फार जो विकेट्स हैं उस पर अगर डिस्कस करें, मोस्ट विकेट हारिस रऊफ हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, सुहेल खान हैं, शादाब हैं, एहसान आदिल हैं, आप नहीं समझते बॉलर्स हमारे पास नहीं आए हैं इस नेशनल T20 से? बॉलर से मैं बिल्कुल परेशान हूँ क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं आया, शादाब और इमाद का कोई बैकअप नहीं है और इस टूर्नामेंट में वो आया नहीं, जाहिद महमूद एक है लेकिन या तो उनको इतने चांसेस नहीं मिले और मिले भी तो उतना परफॉर्म नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था, तो स्पिनर्स के लिए परेशान हूँ लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं हूँ क्योंकि मूसा, हसनैन, हारिस, शाहीन, आमिर, वहाब, उस्मान, जुनेद, वी हैव अ लॉट ऑफ बॉलर्स, स्पिनर्स के लिए आई एम वरिड। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर लें तो हमारे कैप्टन बाबर आजम देर से आए लेकिन फिर आए तो इस तरीके से रन किए, अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम कहते हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने बड़ी भरपूर मेहनत करी, ऐसा लग रहा था कि अगर वो पूरे के पूरे 10 मैचेस खेलते तो उनकी टीम नॉर्दर्न की जगह पे होती। हाँ जरूर, लेकिन मसला ये था कि उनके जो कोर, जो सेंट्रल पंजाब का कोर है, उमर अकमल, अहमद शहजाद, फहीम अशरफ, हसन अली, बाबर, ये कोई भी नहीं था, काफी लोग इंजर्ड थे, किसी पे बैन लगा हुआ है, बाबर वॉज इन द काउंटी, तो जिस वजह से उनका जो टीम कॉम्बिनेशन था वो डिस्टर्ब हुआ था। फिर उसके बाद जो कैप्टन बनाया साद नसीम, वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, वो कैप्टन है, फिर उसके बाद उससे उतनी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वहाँ पे ये लोग हार गए काफ़ी मैचेस शुरू में ही। अच्छा, इसी तरीके से हम जब बॉलर की बात कर रहे थे तो आपको लगता है हमारी विकेट्स जो बनाई जा रही हैं अभी वो बॉलर सपोर्टेड हैं, मतलब के फेवर देती हैं बॉलर को? मुझे तो ऐसा लगा है कि बैट्समैन के फेवर में ज़्यादा होती हैं। मेरे हिसाब से जो T20 होनी चाहिए ना वो बैट और बॉल के बीच में ना कंपटीशन होना चाहिए, अभी तो वन वे चल रहा है, इवन इन द IPL एज वेल 180-200 इज द पावर स्कोर, ऐसा होना नहीं चाहिए। आइदर यू क्रिएट अ 4-day pitch, कि आप 4-day pitch बनाएं एंड आप बाउंड्रीज बड़ी रखें, जहाँ पे बाउंड्री छोटी है वहाँ पे आप घास बड़ी रखें ताकि स्कोर जो है ना 130-140 हो, वहाँ पे आपको बैट्समैन की स्किल्स एंड बॉलर की स्किल्स दोनों आपको वहाँ पता लगेंगे। ये 180 और 200 वाले सीमेंट की पिचेस पे सीधे फ्लैट ट्रैक है, यहाँ पे कोई कमाल की बात नहीं है, यहाँ पे आप बॉलर्स को बहुत मुश्किल में डाल देते हो, बैट्समैन के लिए गेम बहुत ईजी हो गया है। मेरे हिसाब से T20 जो है day 4 की पिच पे होना चाहिए, लो स्कोरिंग होना चाहिए, लो स्कोरिंग मैच ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आते हैं बनस्बत हाई स्कोरिंग के। और अब तो ऑडियंस वैसे ही कहते हैं ग्राउंड में नहीं बैठी हुई है तो उनको छक्के चौके कितनी परवाह नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट यही हो रहा होता है कि अगर आप ग्राउंड में बैठे हैं तो छक्के चौके लग रहे होते हैं तो आप थोड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, टीवी के सामने तो आप देख रहे होते हैं कि वो एक अच्छी सी कवर ड्राइव खेलेगा तो आपको मजा आएगा, कहीं उसने अच्छा सा पंच मारा है, कट मारा है, उस पर आपको मजा आता है, छक्के चौके तो मतलब कि मेरे ख्याल से टीवी पे देखने का तो इतना मजा नहीं आता है। छक्के चौके से ये गेम का जो असल खूबसूरती थी ना वो हटती जा रही है, गेम असल वो नहीं है, गेम है डिफेंस, असल गेम जो है डिफेंस, आप किस तरह रोकते हो, किस सिचुएशन को किस तरह केटर करते हो, किस सिचुएशन में कितना मारना है, कितना रोकना है, किस बॉलर को अटैक करना है पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से। अब आप फ्लैट ट्रैक बना दोगे उस पर 200 बन रहा है, फिर वो 220 चेज भी हो रहा है, सो इस तरह वो क्रिकेट में फिर मज़ा नहीं आता, इससे अच्छा तो फिर आप टेप बॉल खेल लो। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फील्डिंग, वो तो हम जब भी डिस्कस करते हैं तो डिसअपॉइंटिंग रहते हैं, ओवरऑल नेशनल T20 कप की अगर फील्डिंग अगर सो फार हम डिस्कस करें तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे अब एक अवार्ड वो रखना चाहिए कैच किसने सबसे ज़्यादा छोड़े? हाँ एग्जैक्टली, वो अभी तक डेटा शायद आई वॉज रीडिंग समवेयर, तो उसमें था कि ये कोई वाइड टूर्नामेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कैच छूटेगा, मतलब सारे डोमेस्टिक मिला के सारी कंट्रीज के, तो ये ऐसा टूर्नामेंट है। आई डोंट नो, विद प्लेयर्स लाइक अनवर अली, हसन खान, ये सारे कैचेस छोड़ रहे हैं, इमाद वसीम, शादाब खान, ये कैचेस छोड़ रहे हैं, सो मे बी फटीक के आप लोग पहले इंग्लैंड टूर से आए, वहाँ बबल में थे, यहाँ काफ़ी टाइम से बबल में हो, तो फटीक, फिर एक दिन के बाद एक दिन मैच है, तो क्या पता कोई रेस्ट का मामला हो, कुछ प्लेयर्स थक गए हों।
लेकिन डोंट यू थिंक कि जब आप कंटिन्यूअसली मैच खेल रहे होते हैं, आप तो बल्कि ज्यादा रिदम में होते हैं और एक एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि कैच ऐसे तो ड्रॉप नहीं होते हैं या ये मतलब कि आप थक जाते हैं, ज्यादा टायर्ड होते हैं तब भी आप सही होते हैं? इट्स मोर अबाउट द मेंटल हेल्थ कि आप एक बबल में हो, बाहर जा नहीं सकते एंड वो फिर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत आउट हो जाती है एंड देन फिर आप थकना फील करते हो, एक के बाद एक मैच आप खेलते जा रहे हो, बाहर आप जा नहीं सकते, एक कमरे में बंद हो, कमरे से ग्राउंड, ग्राउंड से कमरा, सो दैट्स द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम कि वो शायद हिट कर रहा है इन फील्डिंग, बाकी सब तो बॉलिंग। अच्छा, कुछ हमने मतलब कि बड़े अमेजिंग कैच भी देखे हैं, रिजवान का कैच हमने देखा था, वो बहुत अमेजिंग था, वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, वो अपने ग्लव्स नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अमेजिंग कैच था। मतलब कि इस तरीके की चीजें भी होती हैं, आप देख रहे होते हैं, मतलब कि कुछ अच्छे कैचेस भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत मतलब के फील्डिंग तो बहुत ही पुअर है, बहुत ही वही क्या कहते हैं थर्ड टीयर से भी नीचे की, कोई क्लब लेवल से भी नीचे की फील्डिंग थी। अच्छा, आप क्या समझते हैं एज अ बॉलर, जब बॉलर को पता है सामने बड़ी पिटाई लग रही है मेरी और मतलब के वो सामने बैट्समैन जो है वो रुक ही नहीं रहा है, जैसे कि कल शान मसूद थे, तो आप क्या समझते हैं बॉलर की क्या क्वालिटी है जो उसको बचा सकती है? सिर्फ एक्सपीरियंस ही उसको बचा सकता है, क्योंकि नेशनल टी20 में तो ज्यादातर बॉलर यही होते हैं, आप मतलब के न्यू बॉलर ला रहे होते हैं, एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, तो किस तरीके से बॉलर बच सकता है? आई थिंक इसका सबसे तरीका ये है कि हम T20 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कर रहे हैं कि बैट्समैन एक रिदम में है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक टाइम वाइल सेटिंग द फील्ड। आप फील्ड बनाने में टाइम लो, बैट्समैन को बोलो आप रुको मैं फील्ड बनाऊंगा, मैं रेडी हूँगा फिर बॉल कराऊंगा, तो वो जो टाइम होता है ना बैट्समैन सोच रहा होता है कि वॉट ही इज अप टू, आई इज गोइंग टू बॉल मी शॉर्ट या यॉर्कर या फुल, तो आप वो टाइम लें अपना, कोई जल्दबाजी में ना जाए। होता ये है कि आप टाइम और जो हमारी लिमिट होती है 1.5 घंटे की, उसके चक्कर में बॉलर्स बहुत जल्दी जल्दी बॉलिंग कराते हैं, फिर सोचते नहीं है, फिर जहाँ फील्ड होती है वहाँ बॉल नहीं होती, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप टाइम लें एंड सोच के बॉल करें, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास वेरिएशन हो। जब बैट्समैन इस मोड में होता है तो आप आइदर ट्राई अ यॉर्कर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट डिलीवरी है, बिकॉज यू मिस एन आई हिट दैट्स द एंड, ठीक है, उसके बाद नहीं तो आप फिर स्लो बॉल और वगैरह पर ट्राई करें। अच्छा, इसके साथ साथ कल उमर गुल का कैरियर जो है वो अख्ताम हुआ है, वो था प्लेयर ही बहुत मतलब के अब तो वो नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हमें नज़र नहीं आएंगे। उमर गुल कल रिटायरमेंट ले लिए, उमर गुल को जब भी हम देखते हैं तो वो हमारा 2007, 2009, 2011, 2012 ये वाला टाइम याद आ जाता है, और उनके यॉर्कर और वाइड लॉन्ग गॉन पे छक्के उनके, वो बड़े मिस करेंगे। कैसा कैरियर रहा आपके नज़र में इनका? आई थिंक 2003 में वो आए थे आफ्टर वसीम एंड वकार एंड प्लेड टिल 2013-14 रेगुलरली एंड ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स या वाइड बॉल बॉलर्स आप कह लें, ठीक है, तो 2007 से लेके 2013 तक तो इन्होंने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान का अटैक संभाला है, इवन इन 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2009 का T20, 2010 में वो नहीं थे तो जहाँ हमें स्ट्रगल करना पड़ा थोड़ा, 2011 में वर्ल्ड कप में हमने देखा, फिर 2012 में वो साउथ अफ्रीका का मैच बैटिंग में, इंग्लैंड की सीरीज, सो He's been really good and T20 में अगर कोई है तो he's the number one. अच्छा, ये मेरे ख्याल से ऑलराउंडर तो नहीं कहेंगे हम इनको, लेकिन बॉलिंग अपनी बड़ी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कुछ जगहों पे बैटिंग भी इन्होंने मतलब के वो जो वाइड लॉन्ग ऑन पे छक्के जो मारते थे मतलब के वो अमेजिंग थे, लोग वो देखने मेरे ख्याल से उमर गुल बैटिंग करने आता था तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि अब यहाँ छक्के लगेंगे। बस वो मुझे एक मैच याद है साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप का, जब 77/7 थे एंड 60 रन चाहिए थे एंड उमर गुल एंड उमर अकमल की पार्टनरशिप थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट और वो इनिंग्स यादगार है उनकी जो बैटिंग की। आई गेस उसमें उन्होंने कैलिस को भी छक्के लगाए थे, मॉर्ने मॉकल सबको। आप समझते हैं इस तरीके का रिप्लेस हम नहीं ला पाए अभी तक नहीं, पिछले 6 साल में अभी तक उस तरह का नहीं। हारिस रऊफ में पोटेंशियल है उस तरह की बॉलिंग में, बैटिंग का तो मैं नहीं कह सकता, बॉलिंग में उस तरह का पोटेंशियल है, बिकॉज हारिस रऊफ का अगर आप ये वाला टूर्नामेंट देखें तो विद द न्यू बॉल इन बिटवीन एंड एट द डेथ उन्होंने तीनों जगह विकेट्स ली हैं। अच्छा, अभी तक अगर ओवरऑल हम नेशनल T20 कप को देखें तो आपके क्या रिमार्क्स होंगे, मतलब कि सही जा रहा है या कुछ चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली? आई थिंक ब्रॉडकास्टिंग इंप्रूव होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, एंड उसके अलावा टीम्स के जो स्पॉन्सरशिप्स हैं वो इंप्रूव होने चाहिए थे। आई डोंट थिंक सो कि जो हमारी रीजन टीम्स उनके पास काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं, एक दो ही स्पॉन्सर्स हैं, तो 4 चीज़ों से पैसे आते हैं, एक तो ब्रॉडकास्टिंग है, स्पॉन्सरशिप है, मर्चेंडाइजिंग है एंड टिकट सेल है। अब टिकट सेल तो हो नहीं रही, फिर उसके बाद बच्चे आपके पास 3, तो स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइजिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करें अपने PCB के लिए, देन रीजन्स भी अपने रेवेन्यू जनरेट करें थ्रू स्पॉन्सरशिप्स, तो ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बाकी कंपटीशन बहुत अच्छा था, क्वालिटी क्रिकेट एंड क्वालिटी प्लेयर्स नज़र आए, सारे प्लेयर्स नज़र आए अवेलेबल, इंटरनेशनल भी लोकल भी। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी साइड पे पड़ोस में हमारे IPL भी चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग,
अभी तक तो मतलब कि समझ लें कुछ आधा उनका हो गया है आईपीएल. मुंबई इंडियंस लीड कर रही है, फिर दिल्ली कैपिटल्स हैं, और फिर उसके बाद जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैं. अच्छा, इससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मतलब कि माजिद हमारे पहले शो में जब आए थे, इससे पहले लास्ट शो जो था उनका, माजिद ने प्रिडिक्ट किया था कि मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स और चेन्नई सुपर किंग ये टॉप फोर में रहेंगी. चेन्नई नीचे, बाकी तीन ऊपर हैं. ये मतलब कि इतना परफेक्टली कैसे? आई थिंक उनकी जो टीम्स है ना, इनकी टीम्स काफी बैलेंस्ड है. बैंगलोर का मसला शुरू में ये हुआ था कि उनको जो राइट लाइनअप थी वो नहीं मिल रही थी. नाउ दे हैव फाउंड द राइट लाइनअप. दिल्ली का मसला ये हुआ है कि दो प्लेयर्स अभी इंजर्ड हो गए, ऋषभ पंत एंड हिटमायर. उसकी जगह वो रहाने और कैरी ले आए, तो कॉम्बिनेशन उनका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन उसके अलावा उनकी टीम में कोई चेंजेस नहीं है. मुंबई हैज़ बीन प्लेइंग द सेम टीम फ्रॉम द 8 मैचेस. उन्होंने सिर्फ दो चेंजेस किए हैं, एक तो सौरभ तिवारी फॉर ईशान किशन, एंड लास्ट मैच में कोल्टन नाइल आया था फॉर पैटिनसन. तो उनकी टीम में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है. रही बात चेन्नई की, चेन्नई का मसला ये आ रहा है कि स्टार्ट का जो पावर प्ले है ना, वो काफ़ी स्लो खेल रहे हैं. बिकॉज द आई डोंट नो क्या है उनकी स्ट्रैटेजी, एंकर पे पता नहीं क्यों जा रहे हैं. फिर बीच में रायुडू इंजर्ड हो गए, रायना ने छोड़ दिया, हरभजन नहीं था, तो काफ़ी डिस्टर्ब है. अभी इन्होंने ये किया है कि सैम करन ओपनर आ रहे हैं ताकि पावर प्ले में थोड़ा बहुत स्कोर कर सकें. बिल्कुल, ये मैचेस देख भी रहे. कोलकाता चौथे नंबर पे है, यहाँ पे समझते हैं कि उस कैलिबर की टीम है कि टॉप फोर में रहेगी या नीचे आ जाएगी? अभी आई थिंक दे शुड बी इन द टॉप फोर, आइदर कोलकाता और आइदर चेन्नई, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा. कोलकाता का मसला ये है कि सुनील नारायण पे वो एक्शन सस्पेक्ट का वो हो गया है, एक केस उन्होंने कर दिया मैच रेफरी ने. सो कोलकाता का ये है कि दे आर फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम. तो क्रिस ग्रीन इज देयर और टॉम बैंटन इज देयर, तो उनको अभी तक राइट टीम मिली नहीं है. और उन्होंने अभी कैप्टन भी चेंज किया है, दिनेश कार्तिक की जगह ऑयन मॉर्गन आ गए जी बिटवीन द टूर्नामेंट. सो दे विल स्ट्रगल मेरे हिसाब से, तो अगर नारायण नहीं खेलते तो बहुत स्ट्रगल करेंगे. बिल्कुल, नारायण तो मैच विनर हैं उनके, मतलब कि वो उनको लास्ट ओवर दे दें या बैटिंग में ओपनर भेज दें, वो दोनों जगह सही मतलब कि एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं. इसके साथ साथ किंग्स इलेवन पंजाब, मतलब कि थ्रू आउट ये आईपीएल अगर हम देख लें, आईपीएल की हिस्ट्री मतलब कि बड़ा स्ट्रगल करती है, इसमें भी स्ट्रगल कर रही है, मतलब कि बिल्कुल बॉटम पे है. क्या चीज़ है जो उनको मतलब कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? लास्ट शो भी हमारी बात हुई थी, तो आई सेड कि उनकी जो डेथ बॉलिंग है ना, वो उनको मसला करेगी. एंड वो है, वही इशू आ रहा है, कभी कॉटरेल रन्स लीक करते हैं, कभी शामी रन्स लीक करते हैं, दे हैव ट्राइड मुजीब एज वेल. सो उनको राइट 11 मिल नहीं पा रही है. हाँ, दे हैव द टॉप टू रन गेटर्स, रन स्कोरर्स राहुल एंड अग्रवाल, वो जो टॉप स्कोरर्स हैं लीग के, वो इनके पास हैं. लेकिन उसके बाद पुरान, मैक्सवेल एंड मनदीप और सरफराज और जॉर्डन, वो उस तरह का स्कोर नहीं कर रहे. एंड बॉलिंग जो है उनके पास कृष्णा गौतम और अश्विन है, एक लेग स्पिनर बिश्नोई है, शामी है, कॉटरेल है, तो रन्स बहुत लीक कर रहे हैं और जीते हुए मैचेस हार रहे हैं. उनके पास वो फिनिशिंग के लिए जो एक काम हेड चाहिए होता है ना, वो नहीं है. वो या तो वो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, एंड जीता हुआ मैच हाथ से यूँ खोल देते हैं. अच्छा, सेम क्वेश्चन फॉर राजस्थान रॉयल, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा है. क्या समझते हैं, इसका भी सेम रीज़न है या उनके उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा उनको मसला कर रहा है? राजस्थान का सबसे जो मेन रीज़न है ना, उनका कैप्टन ओवरसीज है. व्हेन यू हैव ओवरसीज कैप्टन, यू कैन नॉट चेंज हिम. ठीक है, अब स्मिथ ने फर्स्ट टू मैचेस में 50 की, उसके बाद ही इज बीन स्ट्रगलिंग इन वन डिजिट स्कोर है. अब अगर आपको कोई ओवरसीज प्लेयर एडिशनल लाना भी हो, तो यू कैन नॉट ड्रॉप द कैप्टन. ठीक है, और उनके पास वो उस कैलिबर के इंडियन प्लेयर्स नहीं है. यस, देयर इज संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा और राहुल टिवाटिया मैचेस जितवा रहे हैं, लेकिन बेन स्टोक्स अभी अभी आए हैं, बटलर. अब उनके तीन और चार ओवरसीज हैं, बेन स्टोक्स, बटलर, आर्चर एंड स्मिथ. यस, दे हैव मिलर इन द सब्स्टिट्यूट्स ऑप्शन के वो यूज़ कर सकते हैं, बट इन प्लेस ऑफ होम. डिस्पाइट स्मिथ हैविंग अ पुअर फॉर्म, यू कैन नॉट ड्रॉप हिम बिकॉज ही इज द कैप्टन. इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर कोई भी लीग हो ना, तो आप लोकल कैप्टन रखें ताकि आप कॉम्बिनेशन चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अच्छा अच्छा, यहाँ पे आर्चर जो है वो इस आईपीएल के बाद बड़ा मतलब कि एक उनका अलग ही रूप देखने को मिलेगा. वो जिस तरीके से हिट कर रहे हैं सिक्स, मतलब कि मैं खुद शॉक था, मैंने कहा ये आर्चर ही मार रहे हैं. एक ही मैच में वो सबसे तेज तरीन क्या कहते हैं बॉल करते हैं, फिर दूसरे उसी मैच में वो सबसे लंबा छक्का मार देते हैं आईपीएल का. ये मतलब कि आर्चर, आप समझ रहे थे ऐसे भी हैं आर्चर? आर्चर हैज ऑलवेज बीन गुड विद द बैट. इवन आप उसमें बिग बैश में देख लें या फिर आप काउंटी में देख लें, तो बैट के साथ वो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं.
जहाँ पे बॉल फंसेगा वहाँ नहीं खेलेंगे, जहाँ बॉल इस तरह आईपीएल के विकेट्स में जैसे सीधा बॉल आता है बैट पे बिल्कुल इजीली आता है वहाँ वो काफी यूजफुल होंगे। अच्छा, इसी तरह सनराइजर हैदराबाद जो है वो भी मतलब कि उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रही है, टीम इतनी बड़ी हालांकि इनकी, तो क्या समझते हैं आप इसका क्या रीजन है? रीजन वही है, टीम कॉम्बिनेशन, डिस्पाइट हैविंग ओवरसीज कैप्टन, हालांकि इनका ओवरसीज कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, उनके पास वार्नर, बेस्टो, विलियमसन तीन हो गए, दे कैन नॉट एडजस्ट नबी, राशिद खान वो ड्रॉप नहीं कर सकते, अब नबी को वो किस तरह खिलाएं, आइदर ड्रॉप विलियमसन और आइदर ड्रॉप बेस्टो, दे हैव टू टेक टफ डिसीजंस। अभी उनकी टीम अच्छा कर रही है, उनके साथ अभी मसला ये हुआ कि दो उनके बॉलर्स थे वो इंजर्ड हो गए, भुवनेश्वर कुमार एंड आई गेस सिद्धार्थ कौल, तो उसकी जगह वो खलील एंड संदीप शर्मा खेल रहे हैं, तो बॉलिंग में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग इज ओके। अच्छा, तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं कौन सी टीम अब नेक्स्ट शो में अगर आप आएँ तो हम आपको दोबारा याद दिला सकें, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है जो दो मतलब के समय फाइनल खेल रही हैं इधर से? सिंस द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल आई एम बिग फैन ऑफ केकेआर, बट अभी की जो सिचुएशन है आई गेस मुंबई, दिल्ली एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और केकेआर / सीएसके, ये चार पाँच में से चार टीमें होंगी, एंड फाइनल मैं देख रहा हूँ आरसीबी अगेंस्ट दिल्ली। ओके, चलें माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी माजिद की भी और इनके व्यूज़ सुने। साउदर्न और नॉर्दर्न का मैच जारी है, होपफुली इनका व्यू है कि नॉर्दर्न जीत जाएगा, लेकिन जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। इसके बाद जो मैच होगा वो बड़ा टफ मैच है, उसमें मेरी तरफ से तो प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल है, दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, केपीके और सिंध, थोड़ा सा फेवर देंगे सिंध को क्योंकि सिंध में बैठे हैं। इसके साथ साथ फाइनल कल होगा संडे को, तो फाइनल भी देखिएगा, फाइनल बड़ा क्रंच होगा, मतलब बड़ा मजेदार मैच होगा। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट सैटरडे फिर मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।